कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा उदय होने के बाद पूजा करती हैं, जिसके बाद व्रत खोला जाता है। महिलाओं को इस दिन का खास इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार भी किया जाता है। साल 2024 में ये व्रत आज यानी 20 अक्टूबर को देश भर में मनाया जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि देश के बड़े शहरों में चांद कब निकलने वाला है और इस बार 72 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा कौन सा खास योग बन रहा है। पूरी जानकारी के लिए लोकलिटी ने काशी के ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज से खास बातचीत की है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि चांद कब निकलेगा। ज्योतिषाचार्य ने लोकलिटी को मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा समेत कई बड़े शहरों के बारे में जानकारी दी। इन जगहों पर चांद कब निकलेगा यानी महिलाएं कब अपना व्रत खोल सकेंगी, आइए जानते हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए सुहागिन स्त्रियाँ करवा चौथ का व्रत करती हैं। इसमें चंद्र उदय का बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्रोदय के वजह से ही यह पूरा पूजा सफल होता है। अतः मैं कुछ प्रमुख शहरों के बारे में चंद्रोदय के स्थिति में अवगत कराना चाहता हूँ। चंद्रोदय जो करवा चौथ के दिन होगा वो बम्बई में 8:32 पर, दिल्ली में 7:53 पर, पंजाब में 7:39 पर, चंडीगढ़ में 7:50 पर, लखनऊ में 7:43 पर, बनारस में 7:42 पर, कानपुर में 7:46 पर, पटना में 7:34 पर चंद्रोदय होगा। अतः इस समय पूजा पाठ करने से और इस प्रकार की स्थितियों में भगवान का नाम लेने से इस समय विशेष मुहूर्त में पूजा सफल होता है और सुहागिन स्त्रियों के जो पति होते हैं वो दीर्घ जीवन को प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस साल करवा चौथ बेहद खास है। इसकी वजह है कि ग्रहों का एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस दिन सम सप्तक बुध आदित्य योग के साथ गज केशरी और महालक्ष्मी शश योग का दुर्लभ संयोग है। ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इससे पहले ऐसा 72 साल पहले हुआ था। इस बार 72 साल के बाद इस बार करवा चौथ पर तमाम प्रकार के शश योग, तमाम प्रकार के महापुरुष योग और तमाम प्रकार के राजयोग का एक कम्बाइनेशन है जो बहुत ही सुंदर ग्रहों का एक मिलन है, जो 72 साल बाद ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है जिसमें अनेक प्रकार के शुभाशुभ योग का सम्मिलन हो रहा है। अतः इस समय करवा चौथ के व्रत से विशेष फल की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ धन धान सुख शांति दीर्घ जीवन की भी प्राप्ति अवश्य होगी। ये संयोग सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत के महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।